किसी को नहीं पता चला। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे फेक न्यूज ना फैलाएं कि और इंजरी काफी हुई है उसको और बताया जा रहा है कि ये असल विक्टम है, जबकि वो असल विक्टम नहीं है। मेरी उनकी फैमिली मेंबर से बात हुई है, वो असल विक्टम नहीं है, वो ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट इंजर्ड हुई थी। तो वो बाकी अब जी हमें नहीं पता क्या झूठ है क्या सच है, ये सिर्फ पीजीसी के बॉयज या गर्ल्स को पता है। जो पीजीसी के बॉयज और गर्ल्स है उनका जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड शेख व्लॉग्स एंटरटेनमेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे, तबीयत से ठीक होगी, मेरी भाई मेरी बहनें सब खैर से होंगे। तो दोस्तों यार ये भी नई बात चल पड़ी है, रजब फैमिली के हैदर शाह ने भी इसके मामले में बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं जो सब ये जो टोपी ड्रामा चल रहा है ये सब झूठ है। टोपी ड्रामा मैंने इस वीडियो में कहा है, पिछली वीडियो में तो सब कुछ सच ही लग रहा था, लेकिन हैदर शाह का सबसे पहले क्लिप है वो आप सुनिएगा, उसके बाद देखिए हैदर शाह कह रहे हैं जी ये सब कुछ झूठ है फेक है। मेरी उनके घर वालों से भी बात हुई, पता नहीं अब हैदर शाह किस लिए ऐसा कह रहे हैं, पता नहीं हैदर शाह को आगे आप खुद समझदार है। बाकी हैदर शाह ने कहा जी कोई इस तरह का इशू नहीं हुआ है, वो लड़की बिल्कुल ठीक है। उसका बयान भी इस वीडियो के अंदर आपको आ गया, मरियम नवाज के साथ वो लड़की बैठी हुई है उसने उसका भी बयान दे दिया। इस इंसिडेंट जो कि आजकल एक टॉप पे हेडलाइंस बनी हुई है, हम सब उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक स्टूडेंट जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और इंजरी काफी हुई है उसको और बताया जा रहा है कि ये असल विक्टम है, जबकि वो असल विक्टम नहीं है। मेरी उनकी फैमिली मेंबर से बात हुई है, वो असल विक्टम नहीं है, वो ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट इंजर्ड हुई थी तो वो हॉस्पिटल एडमिट हुई है, वरना और कोई ऐसी बात नहीं है। असल विक्टम का अभी तक बिल्कुल किसी को नहीं पता चला। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे फेक न्यूज ना फैलाएं कि असल विक्टम ये है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मैं चाहता हूं ये मजीद से मजीद शेयर करें, टिकटॉक पे शेयर कर दें, ताकि जो लोग असल समझ रहे हैं वो असल ना समझे और ये फेक है, असल विक्टम का नहीं पता चल रहा हमें अभी तक, पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हैदर शाह का जो बयान आया, हैदर शाह कह रहा है कि ना जो रजब फैमिली का हैदर शाह है उन्होंने ये कहा है कि भाईजान जो ये हुआ है ना ये सब झूठ फैल रही है, ये सब खबर ना फैलाएं आप लोग, उनकी जो है ना जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी वो बिल्कुल ठीक है। ये यार पता नहीं अब क्या है, अब हमने तो वीडियो इसमें बनाई है, हमने कहा देखें हमें, अब हम आपको दिखाते हैं जो उसकी मरियम नवाज के साथ लड़की बैठी है ना रजब, ये लड़की बात कर रही है मरियम नवाज के साथ, अब वो भी देखें, वो कह रहे हैं जो लड़की जो हॉस्पिटल में तड़प रही थी वो बिल्कुल ठीक है, उसका भी बयान आ गया, वो ब्लरिंग है, लेकिन आप लोग देखें चले फिर देखें। बच्चों ने आवाजें सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी, जो आई विटनेस थी बच्ची उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने, आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया। बाकी अब जी हमें नहीं पता क्या झूठ है क्या सच है, ये सिर्फ पीजीसी के बॉयज या गर्ल्स को पता है। जो पीजीसी के बॉयज और गर्ल्स हैं उनका जो बयान आया वो यही कह रहे हैं कि भाईजान लड़की के साथ ज्यादती हुई है और उसको मारा गया है, जिसकी वजह से हमने ये सब कुछ किया, तोड़ फोड़ किया, शीशे तोड़े हैं, बेड तोड़ दिए हैं, उधर का जितना फर्नीचर है वो तोड़ दिया, लेकिन जो उधर की मैडम साहिब हैं सर हैं या कोई गार्ड है वो कह रहे हैं कुछ भी ऐसा वाकया नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता नहीं अब ये क्या ट्रस्ट इशू लगा या पता नहीं क्या इशू हुआ कोई। अब वो जो लड़की का जनाजा है उसकी भी वीडियो मेरे पास कितनी ज्यादा आ रही थी, या वो भी बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन जिस तरह पीजीसी सारे पीजीसी अब आज 3 दिन की छुट्टी उन्होंने कह दी है सारे स्कूलों में, लाहौर फैसलाबाद मुल्तान पाकिस्तान जिला के जितने स्कूल हैं सारों को 3 दिन की छुट्टी कह दी है इसी केस की वजह से, ठीक है जी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ना वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं भी देख रहा था कि हमारे जो छोटा भाई नहीं उसका भी फोन आ गया कि भाईजान उसके 3 दिन के लिए छुट्टी है स्कूल में, कल है जुमा फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की उसकी छुट्टी, संडे की वैसे छुट्टी है, फ्राइडे और सैटरडे की 2 दिन की हॉलीडे है, पता नहीं अब किस लिए हॉलीडे है ये, अब मैं पता लगेगा तो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेट कर। उम्मीद करता हूँ जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दे, ताकि हमारी बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दे, ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। बाकी जी थैंक्स फॉर ऑल वॉचिंग और यूट्यूब फैमिली, मेरे मेरे जितने मेरे भाई हैं मेरी बहनें हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे बैड कमेंट्स कर रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा यार आप कमेंट्स ना करें, आप अपनी जो जिंदगी है ना उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि आप भी अपना कोई मुकाम हासिल कर सकें। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दे, बेल आइकन दबा दें ताकि मैं नूप लोडा को मिल सके। अभी के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।